इंडिया में Redmi Note 12 सीरीज। इन्होंने भाई काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे पास में आ गया दोस्तों Redmi Note 12 5G और ये स्मार्टफोन दोस्तों 18,000 रुपए के अंदर काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। लेकिन भाई इसी प्राइस के अंदर Realme 10 Pro 5G ये स्मार्टफोन भाई साहब काफी तगड़ी और काफी जबरदस्त यहां पर टक्कर करता है। तो चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिटेल कंपेयर के बारे में, यहां पर बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा के अंदर कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए यहां पर बेस्ट हो सकता है, Redmi Note 12 5G या फिर Realme का 10 Pro। चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपेयर, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो का भाई टारगेट है 500 लाइक्स का। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की। भाई साहब एग्जैक्ट सेम है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ऑडियो जैक, बॉक्सी डिजाइन, साइड माउंटेड सेंसर, सब कुछ भाई यहां पर एग्जैक्ट सेम है। डिपेंड करेगा आप पर कि आपको कौन से स्मार्टफोन की लुकिंग अच्छी लगती है, कैमरा हाउसिंग या फिर कैमरा की रिंग्स रियलमी वाली, वो दोस्तों यहां पर डिपेंड करेगा। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Redmi Note 12 5G 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज के साथ में 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट वाइड वन L1 मिल जाएगा भाई, लेकिन HDR 10 प्लस नहीं मिलेगा। 1200 निट्स की ब्राइटनेस पीक, एकदम फ्लैट डिस्प्ले, ये भाई Realme ने काफी अच्छा काम कर दिया। Realme ने नहीं, Redmi ने काफी अच्छा काम कर दिया यहां पर दोस्तों। मतलब कलर्स के अंदर चाहे बात करते ना, मीडिया वॉचिंग, कंटेंट वॉचिंग, भाई एकदम मक्खन क्वालिटी आपको यहां पर निकाल के देते हैं। और ये डिस्प्ले यार मुझे लगता है कि 18,000 रुपए के अंदर एक काफी तगड़ी डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं Realme की ना, तो Realme ने यार काफी कॉम्प्रो कर दिया। कैसे? क्योंकि आपको यहां मिलती है IPS LCD पैनल, 6.7 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज के साथ में 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट और ब्राइटनेस पीक भाई बहुत कम है, 620 निट्स की वाइड वन L1 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों जो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। हालांकि Realme के डिस्प्ले कलर्स के अंदर काफी अच्छी है, लेकिन भाई Redmi के मुकाबले Realme 10 Pro की डिस्प्ले काफी ज्यादा फीकी है। तो बहुत ही क्लियर सा जवाब है यहां पर। अगर हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, द क्लियर विनर Redmi Note 12 5G, Realme 10 Pro फिलहाल थोड़ा सा फीका रह गया, सीधी सी बात है। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। Redmi Note 12 5G Qualcomm Snapdragon 4 Generation 1, ये भाई अपने आप के अंदर भाई काफी एक डिसेंट काम कर दिया। 7 5G के बैंड, 380,000 का एंटीटू बेंचमार्क, Android 12, 2 साल के अपडेट, ब्लॉटवेयर आपको यहां पर दिए गए हैं और 40fps की गेमिंग काफी अच्छे तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं दोस्तों। वेरियंट्स के अंदर 4x रैम UFS 2.2 के साथ में, यानी कि भाई साहब बहुत ही इन शॉर्ट के अंदर मैंने आपको इसके फीचर बता दिए, यहां पर भाई कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। इनकी हम बात करें ना रैम की, रोम की, चाहे बात करते हैं 5G बैंड्स की, Android 12 आ गया, गेमिंग यहां पर काफी अच्छी है, कोई भी तरह की कमी मुझे नहीं लगता कि Redmi ने यहां पर रखी है, क्योंकि बजट स्मार्टफोन है ना भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं Realme की, इन्होंने भी भाई साहब यहां पर कोई भी तरह की कमी नहीं रखी, लेकिन हां एक छोटी कमी रखी है। वो कैसे? Qualcomm Snapdragon 695, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेम क्वालिटी है भाई, सिर्फ नंबर्स का फर्क है। एग्जैक्ट सेम क्वालिटी Snapdragon 4 जनरेशन 1 या फिर Snapdragon 695 एग्जैक्ट सेम है। 4x रैम UFS 2.2 के साथ में 7 5G के बैंड आ जाएंगे भाई, सब कुछ ठीक है यार, लेकिन Android 13 पे मिलता है, काफी अच्छा काम कर दिया। लेकिन भाई साहब अपनी आदत से मजबूर, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था कि स्मार्टफोन के अंदर स्टार्टअप से लेकर इस फोन को पूरा चालू करने तक भाई बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन, ब्लॉटवेयर है ना, आपको बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर दिए गए हैं, आपका यूजर इंटरफेस उतना अच्छा काम नहीं करता है Realme के अंदर, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, थोड़ा सा इसे सुधार करना चाहिए था। ब्लॉटवेयर यहां पर भी है, लेकिन Realme के अंदर भाई बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के अंदर दोनों एग्जैक्ट सेम है, Android 12 और Realme के अंदर Android 13, दैट्स इट। चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। 48 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, घंटा भी काम नहीं आएगा भाई, और 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा FHD 30fps और सेम फ्रंट के अंदर भी। लेकिन भाई साहब यहां पर है ना अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, सेल्फी ने हटा दीजिए भाई, किसी काम के नहीं है। 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा और ये दोस्तों काफी ज्यादा डिसेंट है, काफी एक ठीक ठाक काम करवा देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं Realme 10 Pro की, 108 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का HM6 सेंसर और 108 से सीधा 2 मेगापिक्सल्स का अदर सेंसर, 16 का सेल्फी कैमरा, यहां पर भाई नंबर गेम है। इनकी क्वालिटी दोनों की लगभग एग्जैक्ट सेम आती है और मेरे पास मैं ना दोस्तों Realme 10 सीरीज पूरी की पूरी बहुत ही जल्दी आने वाली है,
जैसे कि ये आया ना अभी दोस्तों एक साथ, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा इंतजार कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन का आपके पास में आएगा कैमरा कंपेयर वीडियो। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाए दोस्तों, ताकि वीडियो आते ही तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप कमेंट कीजिए कि आपको स्मार्टफोन के अंदर कैमरा या फिर अदर पार्ट्स के अंदर आपको क्या क्या कवर करवाना है दोस्तों। मैं कमेंट्स पढ़ के और एक वीडियो बनाऊंगा कि आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर कर दिए जाएं। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए दोनों ही स्मार्टफोन कंटेन करते हैं 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलेगा। भाई यहां पर एग्जैक्ट सेम आ गया और प्राइस में यहां पर ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, 1500 रुपए का फर्क है, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से भाई यहां पर Redmi ने मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि यहां पर आपको डिस्प्ले काफी अच्छी दी गई है। मेरे हिसाब से यार डिस्प्ले स्मार्टफोन का ना एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हम यूज करते हैं डिस्प्ले, एनी टाइम डिस्प्ले चाहिए भाई हमें। लेकिन Realme के भाई प्लस पॉइंट बता दूं आपको मैं, स्टीरियो स्पीकर आ जाएगा, इसके अलावा यहां पर एंड्रॉइड 13 आ जाएगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाएगा, दैट्स इट। और कुछ कमियां बताऊं आपको मैं Realme की, यहां पर आपको मिलती है IPS LCD पैनल और ब्लॉटवेयर बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से यार काफी बैलेंस काम कर दिया दोनों के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कंपेयर की, Redmi Note 12 5G आपको Realme से थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत है स्मार्टफोन को खरीदने में, आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में DM कीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को भाई लाइक कर देना, एज ए क्रिएटर मैं आपसे उम्मीद करता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब की वो आप कर देना भाई। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, जय हिंद।